हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ रोहन। एंड गाइस, मैंने आपको अपडेट किया ही था कि आज हम लगाएंगे आईबी असिस्टेंट का लाइव मॉक। ओके, होप आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। वीडियो आपको एक दिन बाद मिलेगी, ठीक है, सुबह कल मिलेगी मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आपका स्कोर ज़रूर शेयर करना गाइज। तो देखते हैं मेरा क्या स्कोर रहता है इस मॉक में। एंड इसमें सबसे पहले इंग्लिश, फिर क्वांट एंड देन रीजनिंग, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन एक सेकंड, ठीक है। फर्स्ट है, इफ द डैश इज लाइक दिस टुमारो आई विल प्लान टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। इफ द वेदर इज लाइक दिस टुमारो, वेदर होना चाहिए ना। फातिमा इज, फातिमा क्या नाम आ रहा है भाई। फातिमा इज एनिशियस वूमेन, शी नेवर गिव्स अप, यही होना। फातिमा इज टेनिशियस वुमन, शी नेवर गिव्स अप टेकिंग अप पार्ट्स अप हैपन अप पोल अप पोल्स अप। ओके, ठीक है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट इज डैश विच इज रिन्यूएबल एनुअली। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज डैश मोशन, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज साइन होना चाहिए। The previous occupant has dashed the house in a terrible mess. Okay, the previous occupant has left the house. Find the house, leave the house, has left the house. Left ही आएगा second form. Okay, तो ये question हो गए। इसको change करने, interchange करना है, me and find you. यू एंड यू कैन फाइंड मी आना चाहिए, यू कैन फाइंड मी, ए और बी, ठीक है। यू हैव लिमिट योर बोरोइंग एक्सीड, ओके। यू हैव एक्सीड योर बी और सी, ठीक है। लिमिटेड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टाइम इज़ नॉट टाइम टू वर्क अलोन। टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट लिमिटेड, सी और ए। द फिजिशियन ऑफ ट्रस्टी कैन, द ट्रस्ट इज कमिंग, द फिजिशियन एंड द एंड ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, ये होना चाहिए बी और सी, सॉरी ए और बी। द फिजिशियन एंड ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट इज कमिंग। द कॉलेज टू पार्टिसिपेट इन द रिफ्यूज स्ट्राइक। She refused to participate in the college strike, ठीक है। तो A और C, foreign trip are reasonably charged for this trip. Foreign visitors are reasonably charged for this trip. तो इसमें भी A और C होना चाहिए, है ना। और आगे देखते हैं फिर ये क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। डिस्पाइट द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वी कंटिन्यूइंग आवर जर्नी, ये होना चाहिए। Despite the unfavorable circumstances, we continued our journey. So यही लग रहा है मुझे तो सही। Before we are fixate on this mud size, let's talk about how it performed. Okay, before we fix it, we fix it. लीवर डिजीज इज ए कॉमन बट रेयरली रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीब्यूटर। रेयरली तो होना चाहिए, रेयरली रिकॉग्नाइज्ड। अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या बताना है, मिसस्पेल्ट वाला है। प्रिलिमिनरी मेजोरिटी डिटेक्टेड डिस्ट्रॉयड, तो 14
ठीक है, द पार्टी हैड आर्ग्यूड दैट द जजमेंट इज डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन, ये लग रहा है सी। इन द कॉन्टेक्स्ट डेमोक्रेसी 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 की गलत है, थोड़ी ना आएगा बी। द रिलेवेशन कैपेबिलिटीज राइज वुमन रेस, यही गलत है जो भी है। ठीक है, फिर क्या है ये एरर। ओके, सो द मदर अलोंग विद हर टू डॉटर्स वर वॉकिंग इन द किचन। द मदर अलोंग विद चलो, इफ इट रेन वी यूज अम्ब्रेला अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स। इफ इट रेन, सो इसका 19 का क्या होना चाहिए। नोट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर willing to take the rest। And neither of you are displaying enough neither of you are displaying enough resilience at work। तो at work neither of you ठीक है, अब देखते हैं 22 क्या है। सिनोनियम बताना है डेफिशिएंसी का, तो डेफिशिएंसी का सिनोनियम कंप्लीटनेस सफिशिएंसी इनएडिक्वेसी एक्सेस। एक्सेस तो एक्सेस थोड़ी ना होगा, ना ही कंप्लीटनेस होगा, फिर डेफिशिएंसी होना चाहिए। सफिशिएंसी इनएडिक्वेसी में भी ठीक है, और फिर रैंडम का एंटोनियम बताना है। रैंडम का सिस्टमेटिक हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटिंग डिसऑर्डरली नहीं होगा, शिनफुल नहीं पता मुझे। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक ही लग रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक है कहाँ पर ये रहा। इवन एन अनट्रेंड आईज कैन आई कैन डैश देम पोजिंग ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। इवन एन अनट्रेंड आई कैन फोर सी अनट्रेंड आई कैन फोर सी यही होना चाहिए शायद। ठीक है, तो फिर 25th में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वॉज प्रोमिनेंट इन द डेड बॉडी दैट पुलिस फाउंड इन द पैसेज। ठीक है, प्रोमिनेंट डेड बॉडी द पुलिस वर फाउंड। सो इसमें देखते हैं डेड बॉडीज कहाँ हैं। यार इंग्लिश का पेपर कुछ ज़्यादा ही वो नहीं था, छोटा मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाए। अगर ये भी कितने रह गए, 6 questions रहते हैं मेरे, तो ये मुझे मिल ही नहीं रहा क्या हो रहा है। डेड बॉडी एंड पुलिस कहाँ है भाई।
First of all, when the police forcefully entered 45-year-old Polina Ford apartment, they found her lifeless body on the floor of the kitchen, covered in the mysterious bruises. The lead, ठीक है देखते हैं अब, आइज वर टेकन आउट, द लिटिल फिंगर वर कट, लिटिल फिंगर कहीं दिख नहीं रहा, टॉय वॉज मिसिंग, द मिस्टीरियस ब्रोसेस, ये रहा, ये था ना, ठीक है. नेक्स्ट है, वट वॉज द इमीडिएट एक्शन दैट द लैड डिटेक्टिव टुक, इमीडिएट एक्शन. अब इसमें ढूंढते हैं डिटेक्टिव कहाँ है. अभी डिटेक्टिव नहीं मिल रहा भाई, देखते हैं मिलेगा मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा. द लीड डिटेक्टर डिटेक्टिव कहाँ है कहाँ है. दली ये रहा ना, दली डिटेक्टिव इमीडिएटली सस्पेक्टेड होमिसाइड एंड ऑर्डर्ड एंड ऑटोपसी, ये रहा सेंड टू द बॉडी फॉर ऑटोपसी. व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ 43 इयर्स ओल्ड, ठीक है तो इसकी रिपोर्ट आई होगी वही बताया होगा किस वजह से हुआ है. आफ्टर बट आफ्टर एक्सपेंसिव एनालिसिस द कोरोना द कॉज ऑफ डेथ विटामिन सी डेफिशिएंसी. विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स रूल्स डज द स्पीकर वॉन्ट्स टू न्यू जर्नलिस्ट टू लर्न एज पर पेसेस, और कौन क्या करेगी, तो सारे यही है. वॉज द न्यू जर्नलिस्ट टू लर्न द विच ऑफ द फॉलोइंग रूल डज द स्पीकर वॉन्ट्स टू wants the new journalist to learn as per passes. अगला देखते हैं, how do the young writer treat the speaker according to the passes. Among the following is the speaker of the speaker कौन है अब इसका, तो टाइम है अपने पास, पढ़ते हैं पूरा. स्पीकर बताना है और क्या है, हाउ डू द राइट यंग राइटर ट्रीट द स्पीकर अकॉर्डिंग टू द पुलिस इज फॉरवर्डली एंटर दिस फाउंड दिस, ठीक है फिर उन्होंने उसके लिए भेजा और फिर बाद में रिपोर्ट आई कि डेफिशिएंसी की वजह से. इन अ वीडियो अपियरिंग ऑन सोशल मीडिया Stephanie Bruno source confirm is a close friend of Luna scenes weeping and seen weeping and uttering this is all my fault and the coffee of my city's largest newspaper I sip my third espresso of the morning and finish writing the story. One of the coffee was A story is a good rule to live by. I wish I could teach this to new journalists, but they have their own way of doing things. After I finish my third random identity write up of the morning, I announce I seek to a journalist. ठीक है. One coffee per day. और फिर देखते हैं क्या था. स्पीकर अकॉर्डिंग टू द ट्रीट कर रहा है यंग, ठीक है. एज आई फिनिश माई रैंडम रैंडम फैटलिटी राइट कई हो गया. एंड द यंग राइटर अराउंड अराउंड मी इग्नोर मी
द यंग राइटर अराउंड मी इग्नोर मी इग्नोर द स्पीकर, ठीक है, और स्पीकर का अभी एक सेकेंड, स्पीकर तो मैंने ध्यान ही क्या है, इग्नोर मी इन द इकोनॉमिक दे आर हैप्पी टू सिंपली ओनली जो न्यू चीफ एडिटर सेज आर्टिकल विद टॉपिक टू ऑफ आइदर सेक्स और डेथ रिसीव 10 times मोर क्लिक देन एनी अदर द एडिटोरियल कंसेप्ट इन हिज हेड आर एज ब्लैंड एज द सेल्स मेथड ऑफ ए फिश सेलर इन द मार्केट आई नीड टू एंडोर अनदर मंथ ऑफ एम्बुलेंस Chasing until I can focus on another piece of investigative journalist. My lengthy expose of government corruption last month, which filled the front page of the print edition, received fewer views online than a viewed car crash on a nightclub. Max Games is why aren't you? So maybe yahi ho sakta hai. Theek hai. तो नेक्स्ट सेक्शन मैं कर रहा हूँ गाइस, टाइम तो वैसे बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इंग्लिश का हमारा हो गया, नेक्स्ट सेक्शन करते हैं जल्दी से, तो पहले अगर हो जाता है तो क्या ही बुरी बात हो, ओके, ये बीच में रुक जाता है, ठीक है, तो अब आ गया हमारा क्वांट, तो क्वांट में छोटे क्वेश्चन, तो इधर प्लस माइनस 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 इन टू में टू, तो इधर तीन और एक, तीन दूनी छः, दो, तो छः दूनी बारह इंटू दो, छः और चार, तो यहाँ से ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन हो गया 15, क्या है भाई 100, 1 सेकेंड, 15 225 हो गया, और 50% करेंगे तो 205, तो यहाँ से आएगा 20, 10 जाएगा 10, 18 हो गया 324 प्लस 37, 8, 11, 3, 6, 361 डिवाइड बाई 19, तो 19 आ जाएगा, 19 का स्क्वायर होता है ये, एंड फिर यहाँ से 382, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 1 एंड फिर 3 इंटू 21, 3, 3 दो 6 और 1, 7, 2, 10 आ जाएगा इसका भी, कितने 10 10 आंसर है भाई, ओके, सो इनका ऐड कर देते हैं हम, कितना बनेगा ये 0.75, अब 0.75 अगर 0.75 तो क्या बनेगा भाई इसका 75 का अगर 3/4 करेंगे और फिर 2 2 4 यानी 8 2 16, 2 2 4 2 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, फिर 110 माइनस 16 64 प्लस 8 यहाँ से आ जाएगा क्यूब, तो 8 जाएगा 118 आ गया यहाँ से, 18 64 4 और इसमें 4 5 54, यहाँ से 13 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 6 7/3 6 7 6 42 42 13 जाएगा तो 29, और यहाँ से एक्स के 6 का 216 और 900 हो जाएगा, यहाँ से 900 और 8 इसमें ऐड करते हैं, 8 14 2 224 6 और 9 में से तो गया 7 और इधर 8 में से 676 कितने का होता है 26 का 3/4 होता है 4 4 4 4 3 12 220 और यहाँ से कितना आ जाएगा 40 × 110 तो 44 164 आ गया एंड 84 8 ठीक है 6 14 हो गया यहाँ से और फिर 248 तो यहाँ से कितना जाएगा 23 4 3 12 4 3 12 2 1 4 2 8 9 ठीक है तो ये हो गया 1/4 और यहाँ से 4 यहाँ से हो जाएगा 1/3 और इंटू एक्स 26 4 3 12 12 6 72 7 12 24 11 312 10% करेंगे 42 माइनस 15 7 105 तो ये आएगा माइनस में माइनस का कितना आ जाएगा 3663 यहाँ से करें प्लस 5 प्लस 25 एंड फिर कितना हो रहा है प्लस 125
पाँच पाँच गुना चल रहा है, फिर इसका 5 गुना 625 होगा। ये 625 का 5 कैचे 5 25 दो 5 10 11 12 1 30 और 1 31 25 1200 2 3 4 4225 4325 सॉरी। ठीक है, यहाँ से 0 0 सॉरी 0 नहीं, पता नहीं क्या होगा जो भी होगा। ठीक है, फिर 46 माइनस हो रहा है, फिर माइनस कितना हो रहा है 42 एंड 4 46 46 ही इधर हो रहा है, 6 और 4 46 46 हो रहा है, 4 और कर देंगे तो 996 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 ठीक है 70 70 ऐड हो रहा है ना, 70 हुआ 70 हुआ फिर 70 प्लस 0 प्लस 70 फिर प्लस 70 प्लस 140 प्लस 012 हो क्या रहा इसमें ये। ओके, फिर होगा तो ये 7 का मल्टीपल, ये तो हमें भी पता है भाई। तो ये कितना हो रहा है 1905600 4 सॉरी 5 एंड 3 यही मिलेगा पक्का, मिलना तो है यही। इंटू 1 2 टू पॉइंट नहीं, इंटू 1 हो गया 2 हो गया तो यही मिलेगा, छोड़ो जो भी है देखते हैं। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 तो 5 ठीक है, 2 3 5 हो गया ये, फिर 13 2 3 5 7 9 नौ नहीं 11 7 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। और फिर यहाँ से प्लस 1 और 1 प्लस 11 हो रहा है और प्लस 22 प्लस 33 और यहाँ से 44 हो जाएगा। 55 ऐड करेंगे किसमें, 237 में 55 7 और 5 12 और 5 और 1 8 और 1 9 392 या फिर 292 आएगा, 392 नहीं आएगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना हुआ ये तो 21 121 माइनस 121 हो गया, फिर माइनस 0 0 1 फिर माइनस 1 और 6 7 8 तो 11 9 10 11 9 सॉरी 11 10 9 8 7 फिर 6 36 माइनस हो जाएगा, 99 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो एक ये रहा प्लस माइनस 2 आएगा यहाँ से, फिर प्लस प्लस 3 और 2 तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। फिर एक है ये, इसको देखते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ राइड्स कंप्लीटेड बाय RST ऑन मंडे, मंडे का ये है तो R में कितनी होगी ये 16 17 होगी सॉरी R, फिर S एंड T में 10 7 5 12 3 और 1 4 3 करेंगे तो 14 आ जाएगा एवरेज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द राइड कंप्लीटेड बाय P ऑन मंडे ट्यूसडे, P में 25 25 तो यहाँ से 5 और 3 8 यहाँ से तो 33 होगी एंड मंडे टू ट्यूसडे डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ राइड कंप्लीटेड बाय P फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे। P मंडे टू ट्यूसडे तो यही है दोनों, एंड राइड कंप्लीट बाय S मंडे ट्यूसडे तो यहाँ से 15 2 30 करके 2 माइनस कर देंगे 28 डिफरेंस होता ना इनका 5 आएगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राइड कंप्लीटेड बाय S और T ऑन मंडे, S T मंडे में कितना है 15 25 एंड Q जो कि मंडे एंड ट्यूसडे दोनों में है तो इधर से कितना गए 28 और इधर से Q है 12 तो 48 and 5 58 हो जाएगा। फिर देखते हैं, इफ़ यू कंप्लीटेड 40% ऑफ द राइड ऑन वेडनेसडे एज कम्पेयर टू वेडनेसडे एज कम्पेयर टू मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर तो U का देखते हैं, U का है तो यू एक तो है 6 और एक है कम तो 24 30 हो गया, 40% लेस यानी कि इसका 66 थी वेडनेसडे को
If the number of flight completed by P and U together on Monday, P and U on Monday कितना है ये 8 और उसका है 24, 12 3 32 is 4 by 3 times of the ride completed by S or S and V on Tuesday. S का कितना है भाई Tuesday को, ये रहा 2 कम है यानी कि 13, ये कितना हो गया 8, तो 8 ये 24, 24 होना चाहिए और ये कितना हो रहा है 13, तो यहाँ से आ जाएगा 11. देन हाउ मैनी राइड कम्प्लीट बाई आर एंड बी ऑन ट्यूजडे, ये तो आ गया 13 और आर एंड बी का कितना हो जाएगा 5, 6, 7, तो 18 हो जाएगा, 5, 6, 7. ठीक है, नंबर ऑफ राइड कम्प्लीटेड बाई आर ऑन मंडे, आर ऑन मंडे तो मंडे को है वही 15, 16, 17 इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ राइड कम्प्लीट बाई टी ऑन ट्यूजडे, टी ऑन ट्यूजडे है 20, 3 कम है 20 से 5 आएगा, 5 से 15%. ओके सो फिर है ये माइनस प्लस प्लस प्लस, 10 और 9 आ गए यहाँ से, एंड 162 करेंगे तो 2, 4 और 1, 41 इंटू 41 किस पे जा रहा है अब, 4 एंड 1, ये तो किसी पे कट ही नहीं रहा, तीन पर अगर काटते हैं मैंने 5, और फिर गड़बड़ कर दी मैंने कुछ, ठीक है हाँ 8 आना था ना, ठीक है 162 क्या ही डिवाइड करा था हमें पता ही नहीं, 3 आ गए 5 और 12 आ गए 4, फिर 3 पे गया तो 1 और 8, 9 दुनी 18, तीन तिया 9 दुनी 18 और 9, 18 और 9 आ गया, तो ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया. ठीक है, अब हमारे बच्चे हैं ये, द स्पीड ऑफ द कार इन द रेशियो ऑफ टू कार है उसका रेशियो दे रखा है स्पीड का, ठीक है एंड ईच ट्रेवल 300 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा टोटल टाइम टेकन इज इतने आवर, ठीक है तो टाइम इतना हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 3. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर कार, स्पीड बतानी है अब हमें, स्पीड ऑफ द स्लोअर कार यही है, स्पीड कितनी है नहीं पता, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितना है 300 अपॉन में टाइम लगाया 400, तो कितना हो जाएगा 75, एक सेकेंड टाइम हमें 4 ही घंटे लगा ना, 4 300 पे 175 आ जाएगी इसकी. तो अ पर्सन मेक अ पाथ ऑफ 7 मीटर लॉन्ग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द बाउंड्री आउटसाइड द सर्कुलर फील्ड, ठीक है एंड इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज दिस, तो पाई आर हमें पता नहीं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो इधर आ गया 2, 5, 0, 4, 25 2 और फिर 2 इसका निकालते हैं 7 पे कटेगा ये पक्का, 7, 21 और फिर बचेगा 7, 6, 42 तो ये आ गया 6, एक 6 बचेगा और एक 7, 7 आर आ गया 7, 6, 42. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, क्या बोला था एरिया ऑफ द पाथ, अ पर्सन मेक अ पाथ ऑफ 7 मीटर अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर फील्ड, इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड दिस, तो 2 पाई आर, 7 आ गया 7, 2, 14 ये होना चाहिए क्या, 4, 2, 8 फिर कैसे निकलेगा भाई, पाथ ऑफ 7 मीटर, पाथ ऑफ 7 मीटर अलोंग द सिर्फ 7 मीटर लिया उसने, नहीं चल रहा भाई दिमाग उसमें, बाद में देखेंगे. ए रिसीव 600 प्रॉफिट फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस एंड बी, ए को मिले 600, बी को मिले 650
एंड बी अर्न एट द एंड ऑफ 1 year ऑफ द बी इन्वेस्ट करने का बताना है हमें 12 और 2 महीने बाद यानी कि 10 x x, ठीक है, तो ये कट जाएगा 72 x 12 x 650, 12 5 ये आ गया 13, और इंटू 13 करें 0, 13 तो नहीं 26, 2 13 7 91, 3 9 3 6 0। अभी करते हैं बोट ट्रैवल विद अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ दिस एंड कवर डिस्टेंस ऑफ दिस इज द सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्पीड इज इतने आवर्स लेस स्पीड इज द स्पीड ऑफ फ्लाइंग इज द स्पीड ऑफ दिस, ठीक है, तो यू आ गया 30, वी आ गया 10, डिस्टेंस है इतना तो 40, 15 घंटे में ये करता है, तो और ये करता है 20 30, 15 घंटे कम में। सिल्वर एंकलेट ऑफ 120 ग्राम कंटेन 85 सिल्वर, तो 8 × 16 = 17 और 3 इधर आ जाएगा। जिंक गोल्ड स्मिथ मिलता है एंक एंड ऐड 25, तो जिंक ऐड करता है 27 एंड 18 ग्राम ये, तो 120 × 26 आ गया, तो 6 × 6 = 18 और 17 × 6 = 102, ठीक है, तो रेशो बताना है 2 × 9 = 2 और 1, तो 8 × 2 = 16, 2 × 1 = 3, और ये आ जाएगा 4 × 3 = 1 2, 4 × 3 27, 9 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 × 3 = 1 2, 17 × 3 = 120, मेल्ट एंड द एंकल आगे कट तो नहीं रही है। सिल्वर जिंक ठीक है, 120 का 85 अगर निकालते हैं तो 6 5 आधुनिक 16 17 7 6 42, 2 4 6 4 10, तो 102 तो ये आ गया और बचा हुआ 18 ये 27 जिंक। अच्छा ये जिंक ये ऐड किया था, वाप उल्टा ऐड कर दिया मैंने 18 ये, तो 120 तो ये हो गया, 8 6 15, 2 1 3 और 1 4, 9 आ गया बाद उन्हें 24, तो यहाँ से 8 और 3 द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 59 एंड 13 year अगो 3 साल पहले थे, 26 माइनस कर देंगे 3 3, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, ठीक है, तो ये 22 और ये 11, 13 13 ऐड कर दें 4 2 5 और 3, प्लीज़ डिफरेंस एज बताना है, तो 1 11 साल का ये डिफरेंस आएगा। बैग कंटेन ए बोल इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी विद ऑफ मनी विल बिकम 7 times ऑफ इट सेल्फ इन 18 year ऑफ इन 18 year एट सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 था 700 हो गया, 600 का इंटरेस्ट मिला 18 साल पे, ठीक है, 6 6 3 18, तो 33 हो गया, 1/3, द सेम सम ऑफ बिकम 11 years 11 times, ठीक है, 11 times में होगा दिस। एस आई कुछ तो मैं पी इंटू आर आर टी कितना हुआ
टी हमें निकालना है तो 100 से 100 गया 30। वह शॉपकीपर बोट सम क्वांटिटी ऑफ राइस ही हैड ए लॉस ऑफ 8% ऑन सेलिंग 10% क्वांटिटी ऑफ राइस एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड द रिमेनिंग क्वांटिटी। ठीक है तो 100 था, 10 उसने बेच दिया, 90 बच गया जिसपे उसको लॉस हुआ, 8% का लॉस हुआ यानी कि 92 का। अब इसको ये बेचना है कितने पे कि नेट प्रॉफिट हो 1100 का, तो ये बनाना पड़ेगा 1000, इसमें 92 जाएगा तो 8011, इतना प्रॉफिट कितना बनना पड़ेगा 108 का। एक सेकेंड, हाँ 108 का प्रॉफिट करना पड़ेगा 900 पर, तो यहाँ से 2 गया 3, 2 6 3 26 बटे, एक सेकेंड, रिमेनिंग क्वांटिटी 108, 9 तो चला ही जाएगा 3 और 6, 9 चौक 36, 3 आ गया 1 और 2 12, एक सेकेंड, 3 आ गया 3, 1 और 2 12 पे आएगा ये। ठीक है 3 क्वेश्चन रह गए, ये भी हो जाता, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया यार मैं मैथ्स में। ओके सो अब ये देखते हैं, 8% इज सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, थ्री परसेंट अमती और देवन। ठीक है बेन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट राइट, बेन सेकेंड टू द राइट हो गया एंड दीपक सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ दीपक, सिट इमीडिएट राइट ऑफ केली, देवन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, तुषार इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बेन, तो तुषार वो क्या बोला था, दीपक इज नॉट, देवन इज नॉट, कायली कायल इधर हो गया तो धोनी इधर आ जाएगा, बच गया वो एक इधर, रविंद्र रविंद्र ही बच गया। व्हाट्स धोनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रविंद्र, धोनी लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट, रविंद्र धोनी एक आ गया, देवन दीपक मारुति, सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ तुषार, थर्ड टू द राइट 1 2 3 धोनी, वन इमीडिएट नेबर ऑफ रविंद्र, तुषार इमीडिएट नेबर ऑफ, नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, 917, 825767 एंड 543364, वो क्या बताना है, फोर्थ टू द राइट ऑफ डिजिट 8 1 2 3 4 6, व्हाट इज द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, व्हिच इज द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकेंड हाइएस्ट ये 5। ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग विदाउट ड्रॉपिंग द रिपीटिंग डिजिट्स, देन द डिजिट्स
this visit will leave you to the left of the फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी बताना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो फिर वन टू लास्ट से ही शुरू कर लेते हैं ना, नाइन एट नौ गया आठ गया, तो फिर सात कितने, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब बताना है छः कितने हैं, एक और एक तो छः ही आ जाएगा इसमें। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एट बताना है तो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। इफ द डिजिट विच आर फॉलोड बाय लेटर आर डिक्रीज बाय माइनस वन, देन हाउ मैनी इवन नंबर फाइनल इवन नंबर लेटर डिक्रीज बाय माइनस वन करेंगे तो एक तो ये गया, तो ये नहीं होगा एक, और इधर दो हो जाएंगे सिर्फ। हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर आर फॉलोड इमीडिएट बाय लेटर एज वेल एज प्रीसीडेड बाय इमीडिएट बाय लेटर। सिंबल और आगे पीछे लेटर एक, सिंबल दो, ये भी दो ही हैं। मैंने पेयर्स तो बताना, जी दो छोड़कर बी और फिर दो छोड़कर नाइन, फिर थ्री दो छोड़कर नहीं है चाहिए रहा, थ्री बी एंड फाइव एक ही छोड़ कर रहिए, तो फिर देखते हैं नाइन दो छोड़कर जेड दो छोड़कर के, तो यही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज टू द विच ऑफ द फोर्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द इलेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट हो गए तो इलेवंथ सेवन्थ आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एल। विच ऑफ द फोर विच इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट द इलेवंथ एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, वन टू थ्री फोर एल ही आएगा यार। सेवन पर्सन अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर विद द वेट, द वेट ऑफ द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थर्टी। डी इज हैवियर देन जी बट लाइटर देन ए, पी इज लाइटर देन डी बट पी इज हैवियर देन एल। ओनली टू पर्सन आर लाइटर टू जी, तो जी के नीचे तो यही आएगा सिर्फ, ए इज नॉट द हैवियस्ट तो ए इधर आएगा नहीं, टी इज लाइटर देन एन, टी इज लाइटर देन एन हूज वेट इज 95, यानी कि एन का हो गया 95। एल इज नॉट द लाइटेस्ट, एल जो कि लाइटेस्ट है नहीं, इसका मतलब डी के बाद जी पी एल बनेगा कौन सा फिर। ओनली टू पर्सन आर लाइटर देन जी बोल दिया, अब ए उधर नहीं आएगा तो ए डी पी फिर एन इधर लिख दें, और कौन सा एल इज नॉट द लाइटर पर्सन एल, और फिर टी इधर आ जाएगा। अमंग द फॉलोइंग द पर्सन आर हैवीएस्ट तो एन, हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन डी, वन टू थ्री फोर। पॉसिबल वेट ऑफ टी, टी का छोटा होगा 20, सही बनाया मतलब हमारा। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर टॉप टू बॉटम, ठीक है, देन द फॉलोइंग वेट इज 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी टॉप टू बॉटम बोला तो पी का आ जाएगा, ये सिंपल सा है। पर्सन जी इज जस्ट हैवियर देन एल, फिर है ये जे का क्या होता है, ई जी 10, फिर 18, एस 19, एन कितना होता है 14,
24x y और z 24x y z, ठीक है। वो का 15, m का 13, b और फिर b का 2, z का 26, इवन ओड ओड एंड ये ओड और इवन दोनों का है। बड़ा 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 यही गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट में दे ACF, DCF, CCF, APCF और PCF, HFF, तीन तीन छः छः ही है। बी इज सीनियर टू, डी बट जूनियर टू, ई ए इज इमीडिएट सीनियर, ए इज इमीडिएट सीनियर, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एफ सेम एज द जूनियर टू सी, सो द डेजिग्नेशन ऑफ बी इज नॉट डी सी एफ, तो बी इधर आएगा नहीं। ए सी इधर ले लेते हैं, ए सी इधर, ए सी ए सी ए सी बना बना कर ही देखना पड़ेगा जल्दी से। एंड ए नाइदर एफ और नोर ए सीनियर मोस्ट, तो ए इधर आएगा नहीं, एफ इधर, एक छोड़कर एफ, दो दो छोड़कर इधर नहीं आएगा, फिर दो छोड़कर एफ इधर आ गया, ठीक है। एफ सी हो गया, तो द डेजिग्नेशन ये हो गया एफ नोर एफ, एफ भी सीनियर मोस्ट नहीं है, तो ये ख़त्म, यही बच गया। ई B, D, E, B and D, तो B senior to D, B senior to D but junior to E, ठीक है। A is just immediate senior to C, ये भी हो गया। फिर है the number of person senior to F is same as junior to C, senior to F तीन तीन। Designation of B is not डी सी एफ, ये भी नहीं होगा। नाइदर एफ नोर ए इज़ द सीनियर मोस्ट पर्सन, तो ये तो दो दो बन गए, ये भी अब क्या करें। द सीनियर मोस्ट पर्सन है ई, ट्रू बताना है। बी इज़ द जूनियर मोस्ट, नहीं है, अब बोलो। डी इज़ द इमीडिएट सीनियर टू एफ, डी इज़ इमीडिएट सीनियर टू एफ, ये भी नहीं है। द डेजिग्नेशन ऑफ सी इज़ ये भी नहीं बना, गड़बड़ कहाँ आएगी मेरी। बी इज सीनियर टू डी बट जूनियर टू ई, सही दे। ए इज इमीडिएट सीनियर, बी इज नॉट डी सी एफ, तो बी तो है ही नहीं इधर। अरे यार ए सी एफ एच एफ एच एफ एफ पी सी एफ ए पी सी एफ सी सी एफ डी सी एफ और ए सी एफ, ठीक है। ये उल्टा कर दिया मैंने, सीनियर मोस्ट तो ये आएगा, क्या था ए सी, तो इधर बनेगा नहीं ए सी, ए सी ए सी या फिर ए सी, तो ए एफ दो एक दो इधर आएगा नहीं, एक दो एफ इधर आ गया, और फिर कहाँ नहीं आया था, बी इधर नहीं आएगा, ठीक है। फिर यही बची है सिर्फ ई बी, एम बी इधर नहीं आएगा, ई बी और डी, ठीक है। सीनियर मोस्ट पर्सन बताना है ई, बी इज जस्ट, बी इज द जूनियर मोस्ट, नहीं है, डी इज द इमीडिएट सीनियर टू, नहीं है, सी इज, ये भी नहीं है, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। वट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ बी, ए ए पी सी एफ जो भी है, ए पी सी एफ, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन आर सीनियर टू ई इज सेम एज जूनियर टू डी, और एक ये है डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ, एक्स इज द, एक्स हु इज द सन ऑफ एस,
एक्स इज सन ऑफ एस, ठीक है, तो इसका डब्लू सिस्टर इन लॉ, और एस इज द ग्रैंड सन ऑफ, है एक सेकेंड, एक्स इज द सन ऑफ एस इज द ग्रैंड सन ऑफ टी, डब्लू इज नाइदर डॉटर नो डॉटर इन लॉ, डब्लू इज नाइदर डॉटर, डब्लू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस बोला है, डब्लू इज नाइदर डॉटर नो सिस्टर ऑफ ऑफ टी, ओके, सो टी इधर आ जाएगा, यू इज नॉट द हस्बैंड ऑफ टी, तो यू वाइफ हो जाएगी मे बी, वी इज आइदर द डॉटर और द मदर ऑफ टी, वी इज द आइदर डॉटर और द मदर ऑफ, डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ, ग्रैंडसन ऑफ टी, यू रिलेटेड टू वी, सिक्स पर्सन एम्पल ये दे रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट सैलरी, केविन केल्विन इज मोर देन ओनली एडम, ठीक है, तो 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, एंड फिर है रॉबिन, रॉबिन एंड पॉल गेट मोर more than this, Paul get more salary than Chirag, Craig जो भी है who get more than Joseph, and Joseph get more than Robin, Robin के बाद ये K और A आ जाएगा, how many employee less than the salary Paul, 1, 2, 3, 4, सारे के सारे हैं, बाकी के 5 salary less than the Paul, ठीक है, कि ए ग्रेटर देन के, ए ग्रेटर देन के सही है, एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सो ओनली वन, के ग्रेटर देन ए, के ग्रेटर देन ए सही है, क्यू ग्रेटर देन वाई, क्यू ग्रेटर देन वाई ये भी सही है, दोनों के दोनों, यू ग्रेटर देन एच, यू ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन एच, तो यू और एच आइदर और आएगा इसमें, एम ग्रेटर देन टी, एम ग्रेटर देन टी सही है, W greater than D, W, W, W greater than D नहीं है, only one, F greater than equals to S, F greater than equals to B, B greater नहीं है, Q greater than J, Q, B, B greater than J सही है, second, okay, so एक ये puzzle रहती है, same person who are different horizontal line, the number of person facing north is more than the south, no two persons sitting adjacent to each other facing the same direction, one of the person is from Agra, itna hai gaya niche, one of the person is from Agra, only three person are sitting to the left of the one from seven hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no two person sit adjacent to face, are facing the same, one of the person is from Agra, only three person sit to the left of polar, ye upar ye niche fir ye upar, ठीक है, द वन हुज सलीम, सलीम इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द वन, ठीक है, एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो सलीम इधर आ जाएगा, भाई कट जा यार तू, द वन फ्रॉम आनंद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन,
घूमना एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन. ठीक है, ओनली 2% सिटिंग द वन वन टू एंड वन टू फोर. आनंद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ लेफ्ट राइट और फिर द वन इज फ्रॉम कोची इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन. कोची एंड ऊना आनंद, सॉरी ऊना आनंद और ये ओड वन आउट बताना है. ऊना आनंद हो गया, कोची सेकेंड. The one who is from is dash. How many person are sitting to the right of Salim? 1, 2, 3, 4, 5 is sitting at the end of the line. तो Kochi और Anand देख तो Anand है एक तो Anand and उसमें तो आगरा Anand Anand आएगा only one. रीजनिंग का भी अच्छा नहीं गया गाइस. तो ये मेरा स्कोर था, काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए रीजनिंग में. ठीक है, इंग्लिश का काफ़ी सही था, ये इजी था यार काफ़ी, इसीलिए ज़्यादा स्कोर हो गया वरना इतना नहीं होता मेरा. ओके सो गाइस, आपका स्कोर बताना क्या स्कोर रहा. मेरा तो ये था, दैट्स इट. ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.